भगवती राधा रानी ने कहा, प्रभु आप तो भागवत में समा जाएंगे लेकिन मैं कहां जाऊंगी, मेरे लिए कोई जगह है? भगवान ने कहा हां प्रिय, हां देवी, कृष्ण राधा ही कृष्ण है, कृष्ण है राधा, जो इनमें अंतर समझ ले तो भव में पड़ जाए बाधा। ये दोनों एक ही है। इन दोनों की छोटो तस्वीर देखना, छोटी वाली, इतना चक्कर खा जाओगे कि गोपाली के कपड़े राधे को पहना दोगे और राधे के कपड़े गोपाली को पहना दोगे। मेरे मंदिर में है ना दोनों, एक से ही लगते हैं बिल्कुल, उनमें अंतर है ही नहीं बिल्कुल, ऐसा लगता है एक प्राण दो देह। भगवती राधा रानी ने कहा, प्रभु हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे? तो भगवान ने कहा कि श्रीमद् भागवत का हर अक्षर मेरा रूप होगा, और आधे चिंता ना करना, शब्द मेरा रूप होगा तो जो शब्द का अर्थ है वो राधा रानी का रूप होगा। भगवती राधा रानी की कृपा से ही आप भागवत जी के शब्द का अर्थ निकाल पाओगे, नहीं तो भागवत समझ में नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि भागवत में राधा नहीं है, मेरा निवेदन है कि भागवत में राधा नहीं है तो फिर भागवत भागवत ही नहीं है। भागवत का एक भी शब्द अक्षर ऐसा नहीं है जो राधे में न हो। जैसे मेहंदी में लालिमा, दूध में मक्खन है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवत के हर अक्षर में राधा तत्व की व्यापकता है। मेहंदी से लालिमा मंथन पर, दूध में से मक्खन मंथन पर निकलता है, उसी प्रकार से भागवत जी में राधा तत्व का पता जब भागवत जी का स्वाध्याय करते हैं तभी उसका आभास होता है। त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवतारडवम्। भगवान भगवती राधा रानी के साथ भागवत जी में प्रविष्टित हो गए, इसलिए तो भागवत को श्री शब्द से अलंकृत किया है। भागवत जी के आरंभ में श्री भगवती राधा रानी का ही पर्याय है, श्रीयुक्त भगवती राधा रानी। श्री कृष्णाय वयम नमः, यह भागवत जी राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण दोनों के अहेतु की कृपा का हमें पात्र बना देती। यह भागवत जी की बहुत बड़ी महिमा है। जो भागवत की शरण में आया है उसको उसके जीवन काल में सब कुछ मिला है। भगवान की कृपा से मैंने भागवत जी की 27 आवृत्ति लगाई, इस छोर से लेके इस छोर तक एक शब्द भी नहीं छोड़ा, और 26 साल में मैंने बहुत कथाएं करी हैं भागवत जी की। ये तो सभी पुराणों की कथाएं हो गई हैं, लेकिन मैं स्टूडेंट तो भागवत का हूँ, मैं छात्र तो भागवत का रहा हूँ, और आनंद की बात यह है कि श्रीमद् भागवत मेरी इष्ट है। मैं इस शब्द को शब्द ब्रह्म के रूप में मैं भागवत जी का उपासक हूँ। मैंने बहुत कथाएं हैं, माता यमुना को श्रोता बना करके पानी में बैठ कर, पानी के किनारे पर बैठ कर, नाव में बैठ कर, और तमाम तरह से माँ तो यमुना को भागवत जी सुनाई, और जब से यमुना माँ को भागवत सुनाई है मुझे तो पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। वीर तुम बढ़ते चलो, धीर तुम चलते चलो। माँ राधा रानी भागवत जी से अति प्रसन्न होती है, और आज भी मैं इस कथा का श्रोता माँ कालिंद्री को बना रहा हूँ। हे माँ कृपा कीजिए और इन शब्दों को, टूटे फूटे शब्दों को माँ आप स्वीकार करें। माँ आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रार्थना है, तू जगत जननी है, तेरी कृपा होती है तो यम की ताकत नहीं है वो किसी को छू के बता दे। यमुना यम दूतनि तारती है।